श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्मय श्री राम शरणम समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्य नमः रामात् तस्यति कालभीम भुजगो रामस्य सर्ववशे रामे भक्तिर्खंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। श्री रामचंद्र जी सारे संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के सारे दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटाल्यम राम मंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंद भक्तानाम भयप्रदम। चित्रकूट में रहने वाले भगवती लक्ष्मी के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करते हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांशा लोक साधकः नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋष्यमुकुचुः भगवन सर्वमाख्यातम यत पृष्ठम विदुषा तव्या संसार पाश बद्धानाम दुखिना सुबहुनी च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः समृतः कलौ वेदेत मार्गाश्च नश्यन्ति तव्योदिताः। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वैदिक मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म निरतानाम यातनाश्च प्रकृतिर्ताः घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। अधर्म प्रायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वैदिक मार्ग लुप्त हो जाएंगे। पाखंड त्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितं कामार्थ हस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्परा। उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है।
कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वपल्लायुर् बहुपुत्रकः स्त्रियः स्वपोषण परा वैश्याचरण तत्परः। प्राय सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। पति वाक्य मनादत्य सदान्य गृह तत्परः दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा सप्रियाम्। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके वे सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगे। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगे। अस्त्वाता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनः पुरुषानृत भाषीणेय देह संस्कार वर्जितः। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निमित्त ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रितः। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां व्यर्थ बात करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। अनुपाथि निमितेन शिष्यान् बध्यन्ति लोलुपः उभाभ्यामपि पाणिभ्याम शिरः कंडयनम् स्त्रियः। सन्यासी भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई कुर्वन्यो गृह भर्ताणां माज्ञां भेत्यन्त द्रितः पाखंडाला पनीरतः पाखंड जनसंगिनः। स्त्रियां गृहपति की आज्ञा जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगेंगे। यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि वृद्धिं गतः कलि घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां। तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथ भवेत् यदा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्मभृतां वर। वदसूत मुनिश्रेष्ठ सर्वमेत दशेष्टः कस्य नो जायते तुष्टिः सूत त्वद् जनामृतात्। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी।
देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो, धर्मात्माओं श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी वह उपाय हमें बताइए। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। सूत उवाच, भृणुध्वमृषयः सर्वे यदिष्ट वो वदाम्यहम्। गीतं संतकुमाराय नारदेन महात्मना। रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु समतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टगृहनिवारणम्। सूत जी ने कहा, मुनिवरो आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अविष्ट है वो मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने संत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। दुःस्वप्नानाशनम् धन्यम् भुक्ति मुक्ति फलप्रदम् रामचंद्र कथोपेतम् सर्व कल्याण सिद्धिदम्। उससे सारे बुरे स्वप्नों का नाश हो जाता है, वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए सारे कल्याणमय सिद्धियों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूतम महाफलम अपूर्वम पुण्यफलदम श्रृणुध्वम सुस्माहितः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। महापातक युक्तो वा युक्तो वा सर्वपातक है श्रुत्वै तदाश्रम दिव्यम हि काव्यम शुद्धि मवानुयात। महान पातकों अथवा संपूर्ण उत्पातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रेम दिव्य महाकाव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। रामायणेन वर्तन्ते सुत्राम ये जगदीदिता त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविदः। सारे संसार के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्माह श्रोतव्यम च सदा भक्तया रामायण परामृतम। विप्रवरो, रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाश मायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीति
तस्य वैभवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रितः अनादृत्य अजदगाथा सक्त बुद्धि प्रवर्ते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा का आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन अजदगाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह उसी के अनुसार ही बर्ताव करने लगता है। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदम वै शृणु द्विजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जन्म जरा दिनाशो भवत्यदोषः स नरो नरोच अच्युतः सयात्। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। वरम वरेण्यम वरदम काव्यम संतारयत्याशु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मेश विष्णवाख्या शरीर भेदय विश्वम सृजयति च पाति यश्च तमादि देवं परमं वरेण्य माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम्। जो ब्रह्मा रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि संहार और पालन करते हैं उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणाम परमः परः सयात् वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः स विक्षते सर्व पुराण वेद्य है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित कार्य कारण से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसप्तमः नवाहना खुला श्रोतव्याम रामायण कथामृतम्। विप्रवरो कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवम् शृणुयाद् यस्तु श्रीरामचरितं शुभम् सर्वान् काम कामनवानोति
परत रामुत्र चोतमान, जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपने समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्त कुल संयुक्तः सर्व पाप विवर्जितः प्रायति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। He gets free from all sins and goes to the supreme abode of Sri Ramchandra ji along with his 21 generations where man never has to grieve. चैत्रे माघे कार्तिके च शिते पक्षे च वाच्येत नवाहसम महापुण्य श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह परायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण महात्म्य।